बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे घर, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से घर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहन हैं दुख में हैं, तकलीफ में हैं या किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे बात आज जी, तो प्यारे बार आज जो है ना मैं ये ख़ास चीज़ बना रही हूँ, सब्जी का कीमा बना रही हूँ। प्यार आपने जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखना और जो है ना मेरे साथ साथ ही रहना है। इसका जो है ना बनाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सब्जी का कीमा कैसे बनाया जाता है। ये देखें बस, अभी जो है ना ये सामान मैंने पहले बना के रखा हुआ है। आपको पता है कि गोश्त जो है ना इतना महंगा हो चुका है। कभी तो पहले तो हम जो है ना एक पाव ले आते थे ईमान और अजान के अबू, अभी जो है ना हमारे औकात तो नहीं है एक पाव भी खरीदने की, इतना तो गोश्त महंगा हो चुका है। तो ये देखें अभी जो है ना ये मैं बच्चों को जो है ना सब्जी का कीमा बनाकर दे रही हूँ। चलो मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना आराम से रोटी खा लेंगे। तो यार ये देखें अभी जो है ना मैंने आग जला ली है, क्या करें महंगाई इतनी हो चुकी है, बस बेचारे बच्चों की कोई ख्वाहिश भी हम पूरी नहीं कर सकते, क्या करें इतनी महंगाई हो चुकी है। ऊपर से जो है इंसान मजदूरी पर जाता है तो इतने खासे जो है ना पैसे नहीं बढ़ते। बस ये देखें बस अभी जो है ना ये कढ़ाई में खड़ाऊँगी चूल्हे के ऊपर और जो है ना पहले डालूंगी इसमें घी। ये देखें बस अब जो है ना ये देखें ये टमाटर और हरे धनिया मैंने काट के रखे हुए थे, इसमें मैं डालूंगी। ये देखा बहन ना मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी क्योंकि वाल हमारे पास जो है ना मिसाले तो होते नहीं, बस ऐसे ही बना लेते हैं जो चीज घर में हो। जी तो प्यारे वार इंशाल्लाह बस एक महीना रह गया है माह रमज़ान को, माशाल्लाह से माह रमज़ान भी आ जाएगा, फिर जो है ना कुर्बानी वाली ईद भी आ जाएगी। चलो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला ने ईद तो बनाई है, ईद पर जो है ना हम हमारे बच्चे जो है ना कुछ गोश्त जो है ना खा लेंगे, क्योंकि ईद पर जो है ना कुर्बानी वाली ईद पर जो है ना गोश्त जिनके भी हिस्से होते हैं, हमारा तो नहीं होता और ना ही हमारी फुर्सत होती है कि हम हिस्सा रख सकें कुर्बानी का। तो बाहर से जिनके भी हिस्से होते हैं वो हमें जो है ना वो क्या कहते हैं ना वंडी, उसको वंडी कहते हैं कुर्बानी वाले गोश्त को, तो दे कर जाते हैं। बच्चे जो है ना बहुत ही शौक से खाते हैं, जब कुर्बानी वाली ईद आएगी ना फिर हमारे बच्चे गोश्त खाएँगे। अभी तो बस ये सब्जियाँ खरीदना ही बहुत मुश्किल है। बस नुमान और अजान भी बाहर खेलने गए हुए हैं, क्या करें
इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई हालात भी नहीं है, बस इतनी महंगाई हो चुकी है। कोई चीज़ भी इंसान का दिल हो तो ख़रीद कर खाने का, कोई चीज़ भी कम पैसों में नहीं मिलती। जिनके पास पैसे ना हो तो बेचारा वो क्या करे, इतनी महंगी चीज़ें कैसे खरीदे। ये देखे बस, ये गोभी जो है ना मैंने बारीक बारीक कर काट कर रखी थी, तो अब जो है ना तड़का बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ये गोभी। गोभी होती है ये, वो गोभी है फल वाली गोभी है। इसका जो है ना तड़का लगा कर जब मैं डालूँगी तो फिर जो है ना ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएगी, इसका जो है ना कीमा बन जाएगा। चलो बच्चे जो है ना बहुत शौक से खा लेते हैं। ठीक है वर्ष, आप देख रहे हैं ये गोभी जो है ना आपके सामने बची हुई है। ये किस वजह से बची हुई है, बस इसी ही वजह से ये बचा कर मैंने रखी है, क्योंकि घी मेरे पास इतना नहीं है। जितना मेरे पास घी था तो वो ये देखें वो मैंने डाल ली है। अगर मैं ज़्यादा गोभी डालूं तो कीमा नहीं बनेगा सही तरीके का, जो है ना साला नहीं बनेगा, तो इसलिए जो है ना मैंने ये थोड़ी सी गोभी डाली है। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से बनाकर बच्चे जो है ना थोड़ा थोड़ा रोटी के साथ लगा कर खा लेंगे। क्या करें, इतनी हर चीज़ महंगी है, घी भी इतना महंगा है। देखें बस, अब जो है ना ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। जी तो प्यारे हुआ, इसको जो है ना मैं नीचे उतार लूंगी, ये काम काज तो हमारे होते रहेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।